more. He'll be like that every game. That's an inside edge. Gone past the stump, down to fine leg. What's he saying there, Ramiz? Difficult really to translate that. It's a big long sentence. Assalamu alaikum. Aaj ki video banane ka maqsad sirf cricketer hamare captain sahab Sarfaraz Ahmed ke bhai Sarfaraz aap itne mashallah bade aadmi ho gaye ho, is level pe pahunch gaye ho, kaptan hai, theek hai tum field bhi area ke rehne wale ho, koi baat nahi, मैं भी अंचोली में रहा हूँ, ब्लॉक 20, यू नो, जब हम बचपन में वहाँ जिस तरह से हम रहते थे वहाँ रहते थे, लेकिन जब आदमी बड़ा होता है, आगे बढ़ता है, तालीम हासिल करता है, आगे जाता है, अच्छे लोगों में उठता बैठता है, तो ये जो अपनी बचपन की जो चीज़ें होती हैं, इसको माजरत के साथ छिछोरापन कहते हैं, उसको छोड़ देता है। अगर आदमी नहीं छोड़ेगा तो मतलब वो आगे नहीं जा सकता ना। तो मेरे भाई आपको भी इस तरह, आप माशाल्लाह कैप्टन हो, पूरी दुनिया घूमते हो, बड़े आदमी हो, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और आपको जो है वो ये सिखाए कि इंसान के लिए झुकना ही अच्छा होता है। हाफिज़ कुरान हो यार आप तो भाई, नमाज़ पढ़ने वाले हो, नाते पढ़ने वाले हो, हुजूर का नाम लेने वाले हो, तो हुजूर का जो नाम लेता है मेरे भाई, वो किसी को बुरा भला तो नहीं बोलता। ये आपने बोला या उसको काला बोला, इसलिए आपका दिल, आपके दिल में था, आपने बोल दिया। गेम तो होता रहता है, हार जीत तो जो है मेरे भाई होती रहती है, आज हार है कल जीत है। तो बस मेरे भाई कहना यही है कि सीखो, इतनी बड़ी पोजीशन होल्ड करते हो, कैप्टन हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, इतनी बड़ी पोजीशन होल्ड करके हो, तो उसको संभालो। आपसे पहले कप्तान रहे, कभी भी किसी का इस तरह का कोई स्कैंडल नहीं आया कि किसी को नाम लेके पुकारा जाए। तो मेरे भाई आपको भी ये नहीं करना था, बोलने से पहले इंसान सोच लेता है। अल्लाह में बिलीव करते हो, हाफिज़ कुरान हो, आउट होने वाला था वो आउट हो जाएगा, नहीं होने वाला होगा हो जाएगा, आपके कहने से क्या हो जाता। आपने जो इतना बड़ी लाइन बोल दी, तो उसके लिए होता क्या है कि हम जैसे लोग जो बाहर रहते हैं ना, अरसे दराज से हमारा इंटरेक्शन है यहाँ पर, हम लोग रहते हैं, तो लोग हमें पॉइंट आउट करते हैं कि यार देखो तुम्हारी टीम, आखिर हम रहेंगे तो पाकिस्तानी ना, पैदा तो नहीं हो यहाँ पे, ना हम गोरे हैं, तो भाई हम रहेंगे तो वही। तो इंसान सीखता है। तो आप इतना बाहर ट्रैवल करते हो, न्यूजीलैंड कितनी दफ़ा आए, मेरे ख्याल है वर्ल्ड कप में जब आप आए थे तो उस वक्त हमारी सबसे मुलाकात हुई थी नेपियर में। तो बस कहने का मकसद ये कि ये गलती हो गई आपसे, और मैं कहता हूँ कि गलती जब इंसान से होती है ना, ये अल्लाह की तरफ से होती है, अल्लाह की तरफ से इंसान करता है, और फिर इंसान सीखता है। अब सारी ज़िंदगी नहीं करोगे, अब आप इंशाअल्लाह ताला आप सारी ज़िंदगी नहीं करोगे ऐसी कोई भी गलती, और इस किस्म की और कोई गलती, ये आपको एक लेसन मिल गया, क्योंकि ये आपके मुस्तकबिल और आपके फ्यूचर और आपके कैरियर का मामला है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करूँगा कि आपने ट्विटर पर तो माफ़ी मांग ली है, फेसबुक पर भी मांग ली है, लेकिन अल्लाह ताला से मैं दुआ करूँगा कि ICC में आपका केस ना जाए और आप पे बैन ना लगे, और आपके साथ वो नरमी का मामला रखें, और इसको वो टेक इट ईजी लें, इसको ज़्यादा आगे ना लेके जाएं, क्योंकि मेरे भाई आपके भी बाल बच्चे हैं, फैमिली है, सब कुछ है, अच्छा नहीं लगेगा, और बहसीत पाकिस्तानी हमें भी नहीं अच्छा लगेगा। तो बस अल्लाह ताला आपको हिम्मत, ताकत और तौफीक दे कि भाई मेरे ये गलती से सीखो, और आइंदा जो है इस किस्म की कोई चीज़ ना करो, ताकि इंसान बस अपनी गलती से, और दूसरों को भी तलकीन करो। आपके साथ जितने भी यंग खिलाड़ी हैं, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, जितने भी आने वाले हैं, उनको सबसे पहला सबक यही दो कि मेरे भाई खेलो, अपनी मेहनत करो, और बाकी अल्लाह पे छोड़ दो, किसी को कुछ मत बोलो, क्योंकि अगर एक उंगली आप किसी पे रखोगे तो बाकी मेरे भाई ये जो तीन उंगलियां होती हैं ना, आप पे जाती हैं। तो बस अल्लाह आपका हामी नासिर हो, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाज़त करे इंशाल्लाह ताला, लेकिन अल्लाह ताला आपके मामलात हल करे और हल फरमाए इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत ख्याल रखें इंशाल्लाह ताला, और फिर इंशाल्लाह बात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।